तो अभी एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं हम। ठीक है, न्यूमेरिकल कुछ इस तरह है आपका। एक स्लैब गिवन है आपको 10 बाई 20 मीटर की, दिस इज 10 मीटर एंड दिस इज 20 मीटर। इसमें आपको 5 रूम है, लेट अस से 4 बाई 4, और रूम्स की जो विड्थ है दैट इज 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर 4 मीटर एंड 4 मीटर। ठीक है, विड्थ ऑफ सपोर्ट, जी सपोर्ट मैंने शो किया है यहाँ पे, दैट इज योर 300 mm। फ्लोर फिनिश, फ्लोर फिनिश का मतलब होता है स्लैब के बनाने के बाद हम ग्राउटिंग वगैरह करते हैं तो पीसीसी की फिनिश देते हैं, तो वो गिवन है तो आपको काउंट करनी है लोड में, सेल्फ वेट में, और नहीं गिवन है तो नहीं करनी है। ठीक, फ्लोर फिनिश होगी 50 mm। लाइव लोड आपको गिवन है 10 kN/m² का। लोडिंग मैंने कहा था इनमें मीटर पर स्क्वायर में होती है। ठीक है, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट इज M20, ग्रेड ऑफ स्टील इज Fe4.5। तो फर्स्ट स्टेप इज डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हमको डेप्थ रिक्वायर्ड निकालना पड़ता है। दैट इज हम निकालेंगे इसमें डेप्थ रिक्वायर्ड विच इज इक्वल टू जनरली स्पैन बाय दैट फैक्टर एंड द स्लैब इज कॉन्टिन्यूस, दिस स्लैब इज कॉन्टिन्यूस, सो दिस फैक्टर फॉर कॉन्टिन्यूस जो हमने देखा था 26 कैंटिलीवर के लिए 7 था, सेपरेट सपोर्ट के लिए 20 था, इसके लिए 26 था। ठीक है, तो बेसिकली एक स्लैब पे देखें आप तो ये 4 मीटर इसका ऐसे स्पैन है LX, और ये LY आप देखोगे तो कितना है 10 मीटर है। ठीक है, तो जनरली ये रफली फाइंड करने के लिए स्पैन 4 मीटर यानी 4000 mm बाय 26 ये आएगा आपका 153 point something mm। ठीक है, स्मॉल डी, तो स्मॉल डी आपने रफली ले लिया 160 mm, और जैसा कि डेप्थ इतनी है तो 20 से 25 या 30 तक आप इसमें इफेक्टिव कवर ले सकते हो। सो टोटल डेप्थ जो मैं ले रहा हूँ दैट इज 160 + 30 मैंने कवर ले लिया, इट मीन्स 190 mm, विच इज आई एम गोइंग टू कंसिडर दैट डेप्थ विल बी 190 mm। बेस्ड ऑन दिस आई विल कैलकुलेट नाउ डेड लोड, लाइव लोड, टोटल लोड। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड लोड्स। लेट अस सी बिफोर द लोड्स व्हाट विल बी द इफेक्टिव स्पैन। इफेक्टिव स्पैन हमने क्या कहा था, क्या होगा एल नॉट प्लस डी या एल नॉट प्लस डब्ल्यू विच एवर इज लेसर। एल नॉट कितना है 4000 है, डेप्थ कितनी आई 190। ओके, स्मॉल स्मॉल डी आता है। ठीक है, स्मॉल डी इज 160 यानी 160। ओके, 160 यानी 4.16 मीटर में ये आ जाएगा 4000 प्लस विड्थ ऑफ सपोर्ट 300 300, ये आएगा आपका 4.3 मीटर विच एवर इज लेसर। सो एल इफेक्टिव अब कितना आ गया 4.16 मीटर। सिमिलरली इस डायरेक्शन के लिए कितना जाएगा, लेट अस सपोज ये एल इफेक्टिव एक्स डायरेक्शन में, एल इफेक्टिव वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा, एल इफेक्टिव इन वाई डायरेक्शन में कितना जाएगा 10.16 मीटर, दिस इज इन मीटर। ओके, ये हो गया आपका इफेक्टिव यू कैन से डेप्थ की कैलकुलेशन। नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड, जैसे कि मैंने कहा लोड्स, लोड्स तो लोड्स कैलकुलेशन में जैसे हम देखते थे पहले क्या होता था आपका डेड लोड। चूंकि डेड लोड में हमको सारे लोड्स में हमको पर मीटर स्क्वायर के लिए कैलकुलेट करना है, सो जो लोड होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो वॉल्यूम बेसिकली आप क्या लोगे, डेप्थ आपने निकाल ली, विड्थ और लेंथ आप मानोगे यूनिट पर मीटर स्क्वायर के निकाल रहे, तो हम क्या मानेंगे विड्थ को भी वन मानेंगे, लेंथ को भी वन मानेंगे। ठीक है, तो लेंथ भी वन, विड्थ भी वन, और डेप्थ हमने निकाल ली हमारी, टोटल डेप्थ कितनी आई थी 0.190 mm आई थी कैपिटल डी, तो 0.19 मीटर में हो गया इंटू 25, ये आपका आ गया डेड लोड। फ्लोर फिनिश भी हमको गिवन है, फ्लोर फिनिश कितनी गिवन है आपको 1:1 ले लेंगे, डेप्थ उसने बोला है हमको 50 mm, सो 0.05 मीटर में इंटू 24। यहाँ पे मैं 24 ले रहा हूँ बिकॉज मैंने कहा था RCC के लिए डेंसिटी जो होगी यूनिट वेट या यूनिट डेंसिटी जो होगी आपकी 25 kN/m³ होती है। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं दोबारा, RCC के लिए जो होती है 25 kN/m³ होती है, और PCC के लिए बेसिकली आपकी कितनी होती है, PCC के लिए बेसिकली आपकी होती है 24 kN/m³। ओके, सो ये आप कैलकुलेट कर लेंगे। लाइव लोड आपको डायरेक्टली उन्होंने दे दिया है कितना 10, ये समेशन आप करेंगे। ठीक है, दिस विल कम 4.75। ओके, फ्लोर फिनिश विल कम 1.2। दिस आप इसको टोटल करेंगे, टोटल मारेंगे तो कितना है आपका, इट विल बिकम 8.93 अप्रोक्सीमेटली
So this will become, okay, we have to calculate individually, okay. So total dead load aapka aa gaya, that will become 5.95 kilonewton per meter square, aur live load alag 10 kilonewton per meter square. वो क्योंकि हमें bending moment coefficient और shear force coefficient निकालने के लिए dead load live load हमें separate चाहिए होता है, we will calculate separately, okay. तो ये यहाँ तक हो गया. After this, after that, हम निकालेंगे अपना पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट. हमें डेप्थ चेक करनी है, अभी सर्विसेबिलिटी क्राइटेरिया में हमारा डिफ्लेक्शन में हमारा फेल तो नहीं हो रहा है. सो पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट हमें पता था कितना आता है हमारा, आपको बताया था मैंने 1/12 ऑफ डब्ल्यू डी स्क्वायर डब्ल्यू डी इंटू एल स्क्वायर प्लस 1/10 ऑफ डब्ल्यू एल इंटू एल इफेक्टिव स्क्वायर. सो क्या होता था ये डब्ल्यू डी यानी 5.95 इंटू एल इफेक्टिव का स्क्वायर. ओके, एल इफेक्टिव कितना था 4.16 स्क्वायर बाई 12. सिमिलरली लाइव लोड 10 इंटू 4.16 का स्क्वायर बाई 10. ओके, आफ्टर व्हेन यू विल कैलकुलेट दिस यू विल गेट 38.83 किलो न्यूटन मीटर योर बेंडिंग मोमेंट. वी विल कैलकुलेट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट ऑल्सो. हमारा क्या होता था 1/10 यहाँ पे होता था माइनस में, और माइनस पे 1/10 यहाँ पे होता था, ऊपर से इनर रखोगे एंड देन यू विल गेट आंसर -44.29 किलो न्यूटन मीटर. यहाँ पे देखिए वन इंपॉर्टेंट पॉइंट, पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट कमिंग 38.83, नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कमिंग -44. तो नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट कम बेंडिंग मोमेंट नहीं है, बस वो उसकी वैल्यू उसका साइन नेगेटिव है, वो हॉगिंग बेंडिंग मोमेंट है. तो बड़ा कौन सा बेंडिंग मोमेंट हुआ 44. डिजाइन किसके लिए करेंगे 44 के लिए करेंगे, ना कि 38 के लिए. ठीक है, तो डेप्थ हम चेक करेंगे आफ्टर दिस. डेप्थ चेक, चेक उसको बोलते हैं दूसरे नाम से विच इज वेरी फेमस, सर्विसेबिलिटी चेक, सर्विसेबिलिटी कंडीशन, सर्विसेबिलिटी चेक. तो डेप्थ चेक जो हम करेंगे, डेप्थ आपका मैंने बताया था एम ओवर क्यू बी होता था 0.138 एफ सी के बी डी स्क्वायर. ओके, इंटू बी. ओके, दिस बी मोमेंट हमें पता है 44 हमारा आ गया. तो 44.29 दिस इज किलोन्यूटन किलोन्यूटन मीटर न्यूटन एमएम में, दिस विल बी 10 to the power 6. ओके, 0.138 एफ सी के ग्रिड वॉज M20, सो एफ सी के विल बी 20 बी डी स्क्वायर. ओके, बी यूनिट d, d small d will be 0.16 square and b again unit. Okay, so d from here that will be around 127 mm. ये जो depth आई हमारी ये कितनी आ रही है 127 mm, इतनी होनी चाहिए serviceability condition को fulfill करने के लिए. और हमने depth कितनी ली है, हमने span by 26 से निकाली थी, वो हमने निकाली थी 160 के, after depth 190. तो ये 160 से बड़ा है, तो ऐसे इट इज सेफ इन सर्विसेबिलिटी कंडीशन. तो यहाँ तक ये वाला हमारा फॉलो